बिहार को एक सकारात्मक सोच वाली सरकार चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सुबह कहा था कि कुपोषण को लेकर के नजरिया, अब बिहार की हालत देख लीजिए कुपोषण। नीति आयोग का एक भी आंकड़ा, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के माता काम करने वाला नीति आयोग, उसमें किसी भी मानवीय मानव सूचकांक के आंकड़े में बिहार कहीं भी उचले पायदान पे क्यों नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आंकड़े विपक्ष ने नहीं पैदा किए, ये आंकड़े आपके नीति आयोग ने पैदा किए हैं, ये आंकड़े आपके 15 वर्षों की शासन की असफलता की निशानी है, ये आंकड़े सुशासन के नाम पे करारा तमाचा है। जब आप बात करते हैं मुजफ्फरपुर की बच्चियों के बारे में, बात नहीं की, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप, पुराने इतिहास का बांसी पन्ना आप पलट रहे थे, ना भविष्य की बात कर रहे थे ना वर्तमान की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष और हमारा पूरा गठबंधन एक प्रगतिशील विचार के साथ जा रहा है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, संविदा कर्मियों के जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं, गांव और शहर के फर्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल के सामने कोई अंडर सेक्रेटरी दम न तोड़ दे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? पुराने इतिहास का बासी पन्ना जो बिहार कतई लेने को तैयार नहीं है। मैं आखिरी टिप्पणी यही कर रहा करके खत्म करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आने से पूर्व कुछ विभागों पर यहां इनकम टैक्स का रेट हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये भी जान लीजिए कि जिन घोटालों का जिक्र आप 15 में करके गए थे उसमें बहुत सारे घोटाले जुड़े हैं। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं कि आज मंच पे वो साथ बैठे हैं, मैं कैसे सच बोल दूं, लेकिन आपकी नैतिक मजबूरी ये नहीं होनी चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बिहार में चुनाव जीतने के बाद आप फिर भी प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पास ज्ञापन लेके जाएंगे विशेष राज्य का दर्जे का, और अगर विशेष राज्य के दर्जे को आपने नहीं माना, आपकी सरकार ने वही हठधर्मिता दिखाई, तो मैं आज दावे के साथ आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष कह रहा हूं जो कि नेता प्रतिपक्ष कह चुके थे, आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि बिहार कटोरी लेके विशेष राज्य का खैरात नहीं मांग रहा है। बिहार को हक चाहिए, इस मुल्क के बनने में, उसकी बनावट बुनावट में बिहार का योगदान है। अब केंद्र का काम है कि बिहार की बनावट बुनावट को आगे ले जाने के लिए आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, 3 तारीख को जब आप वापस आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, संघ सहकारी संघवाद जब आप कहते हैं, कल को हमारी सरकार बनेगी, ये शत्रुता की जुबान नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धी की जुबान हो जाए, और कल तक जब हम मिले ना तो ये ना याद हो कि आपने कैसी कैसी बातें कही थी, और जो कि मैं समझता हूं चुनाव की हीट में आप बोल गए होंगे। आप भी जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जब बिहार एक तरह से सोच रहा है हर जाति की दीवार टूट रही है, लोग एक साझा सरोकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार को जो विजन चाहिए 3 तारीख को जब आए तो उस विजन के लिए आप विशेष राज्य की बात करें, 10 लाख नौकरी के लिए आप पीठ थपथपा दें कि हाँ नौकरी पे बात हो रही है, संविदा कर्मियों पे बात हो रही है, समान काम समान वेतन पे बात हो रही है, बिजली के दरों को कम करने पे बात हो रही है, पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की बात हो रही है, ये सब अपेक्षाएं हमारी प्रधानमंत्री जी से हैं। और जो 11 सवाल नेता प्रतिपक्ष ने पूछे थे, अभी आपके पास 2 दिन का वक्त है माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 को आइए, उन सवालों का जवाब बिहार की जनता आपसे सुनना चाहती है। शुक्रिया पवन जी। धन्यवाद मनोज भाई। नौजवानों के इतना खिलाफ क्यों हैं महाराज नरेंद्र दामोदर दास मोदी? जब आते हैं आप आशीर्वाद देकर जाइए, नौजवान हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं जो आप आज तक आपके मुंह से नहीं निकली। आपने तो एक बार 2 करोड़ नौकरी बोला तो आपके एक शहंशाह भी हैं अमित शाह, जो कहते हैं तो जुमला था, शहंशाह आप, महाराज आप, और युवराज के खिलाफ। ये युवराज युवराज क्या लगा रखा है आपने? यहां आकर आप उनको आशीर्वाद देकर जाइए, क्योंकि ये एक नई राजनीति की शुरुआत करने आए हैं और नई राजनीति आ गई है बिहार के माध्यम से, बिहार के रास्ते से पूरे देश में ये एक नई राजनीति की शुरुआत, जहां असली मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाती है, असली मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, असली मुद्दों की बात की जाती है। ये आर्यभट्ट की जमीन है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध भगवान महावीर इसी जमीन से आए। यहां आकर आप छोटी बात करेंगे, हल्की बात करेंगे, तो क्या बिहार के लोग आपको माफ कर देंगे?
कम से कम यहां की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा देंगे तो शायद सद्बुद्धि आ जाए, ऐसी जमीन है। और यहां भी आकर आप अपनी वही छोटी हल्की बात करके जाते, चोट पहुंचती है तमाम एक एक बिहारवासी को, चोट पहुंचती है हम सब लोगों को, आपको जो यहां से कुछ सीखने आए हैं, यहां से कुछ सीख कर जा रहे हैं, यहां से कुछ लेकर जा रहे हैं। आपने बिहार को कुछ, आप कुछ दे पाए बिहार को, यह आपकी क्षमता ही नहीं है, यह साबित हो चुका है पिछले 15 साल। कम से कम अच्छी बात तो करके जाइए, या वो भी अब आपके पास नहीं है बिहार के लिए कि आप एक अच्छी दो शब्द मीठे शब्द बोल दो, यहां माफी मांग लो यहां कि 15 साल जो हुआ गलत हुआ, और जो पिछले 3.5-4 साल में जो आपने वादा खिलाफी की, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, वो गलत हुआ, या जो पलायन करते हुए मजदूर पैदल आए, पांव में छाले लेकर आए, खाली पेट आए, वो गलत हुआ, या 46% बेरोजगारी इस राज्य में आ गई, वो गलत हुई, किसी एक बात पर माफी मांग लेते तो बिहार का दिल बहुत बड़ा है, माफ कर देते। लेकिन यहां भी आप वही अहंकारी बात फ्रांस ले जाएंगे, कभी पाकिस्तान ले जाएंगे। आज हम आपको ले गए थे 12:30 बजे पटना, डंपयार्ड दिखाया था प्रधानमंत्री जी ने, शायद आपके सबके चैनल देखते हैं, सुना 18-18 घंटे काम करते हैं, उसमें से 16 घंटे टीवी ही देखते हैं, तो जरूर देखा होगा, उम्मीद करता हूं देखा होगा। ये स्मार्ट सिटी के दर्शन जो आज आपके माध्यम से हुए, पूरे देश को हुए, आंखें झुक जानी चाहिए थी प्रधानमंत्री की आज ये देखने के बाद। खैर, 10 नवंबर दूर नहीं है, तमाम तथ्य जो आपके सामने रखे, ऐसा शायद ही कोई चुनाव हो जहां यह बोला गया हो कि इतने नंबर, दिस इज द नंबर, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम कहीं भाग नहीं रहे, अगर इसमें कोई कोताही हो, जनता को हक है, आप सब मीडिया कर्मियों को हक है कि हमारे कान पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम घोड़े पर सवार होकर नहीं आते जैसे वो आते हैं, हम यहां वहां की बात करके ध्यान नहीं बटाएंगे जैसे वो बटाते हैं, हम अपनी बात पर अडिग हैं, अडिग थे, अडिग रहेंगे। धन्यवाद। कोई सवाल? सर एक मिनट, जैसे वो बार बार युवराज युवराज का जिक्र कर रहा है, वो मान गए हैं कि युवा का राज आने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक है, हम तो छोटे लोग हैं। लोकतंत्र में युवराज और महाराज नहीं होता, लोकतंत्र में जनता जिसके सर ताज रखती है ना, वो भी लोकतांत्रिक राजा ही होता, युवराज महाराज नहीं होता। लेकिन अब जिनकी सोच में ही एक सामंतिक दृष्टिकोण हो, मैं उनके बारे में क्या कहूं, मेरे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन इतना आग्रह जरूर रहेगा कि बिहार बहुत परेशानी में है, वो अपने सवाल देखना चाहता है प्रधानमंत्री जी की जुबान से, किसान हो, सिंचाई हो, दवाई हो, क्या आप सब लोगों ने हमें कोरोना काल के दौरान की हाहाकार की परिस्थितियां बिहार की नहीं दिखाई? मैं तो उस वक्त दिल्ली में था, मैंने दिल्ली के सड़कों पे अपने बिहार के लोगों को देखा, कुछ भी खाना लेके जाते थे कम पड़ जाता था, इतने लोग हुआ करते थे। हमने ये देखा 3 लॉकडाउन तक प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द हमारे बिहारी मजदूर भाइयों के बारे में नहीं आया। 4th लॉकडाउन में जब आप लोगों ने दिखाई तब थोड़ी चर्चा शुरू हुई, यहां तो मुख्यमंत्री जी तब तक नहीं बोले, अब जब बोलते हैं, चुनाव है कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन बिहार बीता बोला हुआ सब याद रखे। आपने नीति आयोग की चर्चा की और बताया कि नीति आयोग में ऐसा एक भी रिपोर्ट नहीं है इसमें बिहार जो अगले पायदान पे खड़ा है, तो सर 15 साल का बीजेपी और जेडीयू का शासनकाल रहा, उसके पहले आप लोग का था, उसके पहले कांग्रेस का था, यानी हर शासनकाल में, हर पार्टी के शासनकाल में बिहार शोषण का शिकार हुआ। और बात मजदूरों के पलायन की नहीं, एक सवाल का जवाब दे दूं फिर आप पूछ लीजिएगा दूसरा। पहली बात तो ये जो ह्यूमन इंडिकेटर्स पर ये जो मानव सूचकांक हुआ है ना, ये बीते 15 वर्षों की ही देन है, उससे पहले ये पैरामीटर्स डेवलप नहीं हुए थे, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक वो दृष्टिकोण है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा दौर स्वर्णिम था, हमने भी अपने लैप्सेस के लिए कहा, अरे हम लैप्स किए तब तो हम सरकार से बाहर थे। अब तेजस्वी जी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में क्लीन स्लेट लेके आए, एक कमिटमेंट के साथ आए, अगर हम पूरा ना कर पाए, अरे जनता की अदालत है, ज्यादा नहीं देखती है, जिरह नहीं करती है, खारिज कर देती है, हमें भी 5 साल बाद खारिज कर दे। मनोज जी एक सवाल है, नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की संपत्ति को लेकर आज एक नया खुलासा किया, कहते हुए कि रोजगार को लेने के लिए
तेजस्वी यादव ने जमीन लिया। देखिए अब नीरज जी की बात पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अशोभनीय आधारहीन बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जो एक जिस संपत्ति का वो जिक्र कर रहे हैं कर लेना, सरकार ने क्या नहीं कोशिश किया, अब तो सरकार तोड़वा के गए थे, नीतीश जी को बरगला करके डरा करके ले जाया गया था, क्या हुआ उन मुकदमों का सब लोग जान रहे हैं, इसलिए इंतजार करिए। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं। नीरज जी से मैं ये उम्मीद तो करूंगा नहीं कि तेजस्वी जी को बधाई दे 10 लाख नौकरी के लिए, संविदा खत्म करने के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए, तो उनसे और उम्मीद ही नहीं। कोई बात नहीं, 2-4 दिन और है। कांग्रेस आरजेडी, मैं एक बात पवन जी इसका जवाब देंगे, ये बात उपेंद्र जी जब कहते हैं ना मुझे हंसी आती है। अरे हमारा आज का संबंध नहीं है कांग्रेस और आरजेडी का, नैसर्गिक रिश्ता है और इस नैसर्गिक रिश्ते की बुनियाद 2004 से पहले की है। 2004 में जो गठबंधन बना यूपीए उसकी बुनियाद में सोनिया जी और लालू जी का रिश्ता था। मैं समझता हूं कि आप उपेंद्र जी अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं जाहिर तौर पर यह कह सकता हूं ये उन्होंने अपने मन से नहीं कहा। बता दिया, जवाब अच्छा दिया, वो थकान हो गई होगी उपेंद्र जी को चुनाव की, हो जाता है, कोई बात नहीं, गलतियां कर जाते हैं। तब वो मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, मुख्यमंत्री प्रतीक के रूप में पूरे बिहार की ओर से आमरण अनशन पर, लेकिन हमें उम्मीद है कि बिहार के मैंडेट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष राज्य देने को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हक और भीख का फासला बिहार ने खत्म कर दिया। देखिए किसी को ये मुगलता ना रहो कि अमृत पी के आया और सत्ता पे हमेशा वही रहेगा, बिहार की जनता जाग गई ना तो देश को जगा देगी। मनोज जी एक सवाल, एक मिनट, मैं इनको पहले, मुख्यमंत्री जी तू तड़ाक करते हैं, बाप से पूछो, माँ से पूछो, और बाद में तो क्या क्या ना बोल गए। सिर्फ हमें बुरा नहीं लग रहा है, तेजस्वी जी तो बिल्कुल कहेंगे आप दीजिए गाली, बिहार के लोगों को भी लग रहा है, वो पॉलिटिकल फाइट देखना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा देखना चाहते हैं, शत्रुता नहीं देखना चाहते हैं। बिहार के मानस में ही नहीं है, बिहार के चाल चरित्र और चेहरे में ही नहीं है। मतलब वो इससे पहले भी जो है राहुल गांधी को कभी पप्पू कहे, मैं देखिए वो क्या है ना, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी की मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से ज्यादा जो उनके स्क्रिप्ट राइटर है ना वो उनसे बहुत सेल्फ गोल करवा देते हैं। नहीं सुनिए 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 आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, आप थोड़ा दुगल करिए। 2015 के विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर में आईटी हब बनाने की बात कही। 2015 आप कौन से साल में है, 2020। असल में बिहार इनको याद ही आता है चुनाव के वक्त, ये हम बिहार वासियों की बहुत बुरी किस्मत है, जिन्हें हम इतना बड़ा मैंडेट देते हैं ना सबसे पहले वो हम ही को भूल के किनारे कर देते हैं। लेकिन अब बिहार जाग गया है और देश को जगा रहा है, इसलिए अनुराग ठाकुर जी को रविशंकर जी से पहले बात करनी चाहिए, तब इस सवाल हमारे लिए आता है। दूसरा सवाल है कि चंपारण के तरफ गन्ना किसान बहुत है, गन्ने किसानों के लिए महागठबंधन के पास क्या है, क्योंकि बगल में यूपी है, जो प्रमुख दो उनके पास समस्या वो एक तो यूपी में गन्ना का रेट ज्यादा है, यहाँ कम जो सरकार देती है, दूसरा कि बाढ़ से उनके खेत में अभी भी कमर भर तक पानी है, ना तो विपक्ष ने एक बार भी नजर उठाया है। मैं आपको एक बात करेक्ट कर दूं, नेता प्रतिपक्ष खुद गए थे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जी, शुगर मिल को तो हमने अपने हमारा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, संकल्प उसमें हमने रखा है, हम प्रधानमंत्री जी की तरह ये नहीं कहेंगे 2014 में उन्होंने कहा था कि अगली बार आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से जो धुआं उठेगा चाय पीऊंगा और चीनी यहीं की होगी। साहब न धुआं उठा न चीनी बनी, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम धुआं उठवाएंगे और प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके बुलाएंगे और चाय पे चर्चा करेंगे। लेकिन
लेकिन मनोहर झा जी जो भी चीनी मिली थी बिहार में वो बंद हुई अभी लालू राबड़ी के राज में। नहीं आप दो चीज इसमें थे, आप मैं आपको एक एक चीनी मिल बता सकता हूँ। लोहार चीनी मिल का बंद हुआ, रीगा का बंद हुआ। नहीं नहीं मैं इसलिए कह रहे हैं ये अगर हमारे कार्यकाल को अगर लेकर के आप कहते हैं तो पेपर मिल हो, जूट मिल हो और शुगर मिल हो, मैं आपको कह रहा हूँ शुगर मिल टेक्नोलॉजी में भी एक मिनट बात खत्म कर लूँ फिर सवाल पूछिएगा। मुझे भाजपा जदयू की तरह सवालों से परेशानी नहीं है, पूरे दिन सवाल ले सकता हूँ क्योंकि ईमानदारी की राजनीति करते हैं, बेईमानी कहीं नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शुगर मिल जितनी मेरी समझ है जो हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो बनने के दौरान बात की उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटरी चेंज आया है। अब हम लोग जो जाएंगे लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पर जाएंगे और ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे। मेरा सवाल था कि जो भी चीनी मिले बंद हुई मैक्सिमम चीनी मिले आपके राज्य नहीं, इसका तो एक दिन हम लोग डिबेट रख लेंगे आमने सामने फिर बात होगी। आइए जी जी, यदि महागठबंधन की सरकार आती है तो 10 लाख नौकरी तो मिलेगी नहीं, लेकिन जो नौकरी बची खुची है या जो कंपनियां बची खुची वो भी चली जाएगी। हमको बता दे कितनी कंपनियां आ गई हैं यहाँ। मैं तो बताऊं, राजनीति में आने से पहले जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, जब बिहार आया करता था तो हर दूसरा युवक कहता था भाजी कुछ कहीं लगते नहीं जुगाड़ वहां दिल्ली में बंबई में। ये मैं बता रहा हूं और ये पीछे 15 साल की है, मैं बता रहा हूं। एक एक चीज देख लीजिए, जहां आपने नौकरियां भी दी ना संविदा पे कर दिया, अनिश्चितता की तलवार लटक रही है, समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे रहे हैं, अपने बंधुआ मजदूर बना के रख दिया संविदा के नाम पर लोगों का, ये व्यवस्थाएं खत्म होंगी। और रही बात बीजेपी की, 2 करोड़ नौकरी के प्रॉमिस से आए थे साहब, 2 करोड़ में से 4-5 सुन्ना हटा करके भी बता दीजिए क्या किया, 4-5 सुन्ना हटा दीजिए आप। कुछ एक मिनट बनो जी, जैसे आपके 10 लाख रोजगार के साथ आपका पूरा गठबंधन खड़ा है, लेकिन बीजेपी के 19 लाख रोजगार के साथ उनका अलायंस खड़ा नहीं करता कभी, न कभी बोलते क्या करा। देखिए सीधी सी बात है कि ये 10 लाख नौकरी जो कि तेजस्वी यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष ने सॉलिड कहा साफ साफ, उसके बाद इनकी वाक्य देखिए, इनके संकल्प पत्र में ये कहते हैं 4 लाख सरकारी नौकरी, उसमें भी कुछ निश्चितता नहीं, 15 लाख की सृजन की संभावनाएं तलाशी जाएं। उससे ठीक पहले सुशील मोदी जी जो नायब साहब हैं वो कह चुके थे 10 लाख नौकरी कहां से होगी, हो ही नहीं सकती। अब उनकी पार्टी 19 लाख का प्राप्त, अपनी ही पार्टी में मेल नहीं, तो अब जब अपनी पार्टी में मेल नहीं, नीतीश जी तो वैसे ही परेशान है कि सब झूठ बोल रहा है सब गप है। तो कुल मिलाकर के उनकी नीति और नियत दोनों ही साफ नहीं है। और हम आपको वादा करते हैं, आपने हमारे कैंपेन में अभी तक कोई नेगेटिव चीज नहीं सुनी होगी, बहुत पीड़ा होती है लेकिन हम नेगेटिव कैंपेन में नहीं जानना चाहते। वो बोले बड़े लोग हैं बड़े आदमी हैं, सब मुबारक उनको, बस मैं बिहार की आवाम से आग्रह करता हूं जो उत्साह प्रथम चरण में था उसी उत्साह से दूसरे चरण में इस चुनाव को खत्म कर दीजिए, महागठबंधन को बनाइए। जय जी जी जी। अभी चाय है भाई, थैंक यू। जो अभी ये हालात है या जो कुछ भी है, अगर बीजेपी जेडीयू से अलग होती है तो क्या जेडीयू महागठबंधन के साथ आएगी? ये प्रश्न आप जेडीयू से पूछो, हमारी बात बड़ी स्पष्ट है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आप सबके आशीर्वाद से बना रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद और भाजपा जदयू की गलतियों से ये सरकार और एक पॉजिटिव एजेंडा हम सबका लेकर चल रहे हैं बना रहे हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीजेपी से जेडीयू अलग होगी, अगर जेडीयू जेडीयू से बात करिए हमें कोई लाभ नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देखिए चिड़ इसलिए होती है ना कि 15 साल हमसे हमारी जो भी 3 बार हमने अच्छा काम किया होगा तब तो मैंडेट मिला था, जनता ने मैंडेट दिया फिर सवाल पूछे हैं तो हुजूर इतना संबंध रखें कि सवाल का जवाब दे लेती। दूसरे उसके बाद हमें जनता ने खारिज किया, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम क्लीन स्लेट के साथ आ रहे हैं। विश्व इतिहास में आपने पहले भी एक दिन कहा था आप नहीं थे शायद, कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह सकते कि जिम्मी कार्टर के टाइम में ये हुआ था, ये अनहोनी चीज है। अरे एक दो नई पीढ़ी पैदा हो गई, दो नई पीढ़ी की आकांक्षाएं हैं उनके बारे में बात करिए, और इतिहास का बासी पन्ना पलटिएगा तो आप इतिहास के फुटनोट हो जाइएगा। जय हिंद जय बिहार। और इस दौरान पीढ़ी तो बदली
इन्होंने एक पीढ़ी बिहार की तबाह कर दी, ये बात से ये बच के नहीं जा सकते। यही बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, यही बात तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। गलती बहुत बहुत बड़ा दिल दिखाया आज इन्होंने जो कहा, लैप्सिस हुए। गलती होती तो सजा मिलती है लोकतंत्र में, हमें भी मिली। अब वक्त है इनको सजा देने की, क्योंकि गलतियां इनसे एक नहीं अनेक हुई, और इनकी और बड़ी गलती यह है कि आज भी अपनी गलती मानते नहीं।